नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशांति शुद्धादिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरवप्रेम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आप सबका आज स्वागत है। मैं आज का हमारा टॉपिक है कि ईश्वर कौन है। और एक प्रश्न भी लोगों के मन में आता है कि भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं। जैसे आज दुर्गा पूजा है तो काफी लोग, इसलिए आज दुर्गा पूजा है इसलिए काफी लोग आज आ नहीं पाए, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हम भगवान कृष्ण की पूजा ही क्यों करते हैं और सबकी पूजा क्यों नहीं करते, और कि इतने सारे भगवान हैं, कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, तो ये सब क्या है। फिर उसके आगे अगर हम देखें क्या भगवान का रूप है, भगवान का कोई रूप है, या कैसे हम इसको जो फुल स्क्रीन कर दो, जो फुल स्क्रीन विल कम। क्या भगवान का कोई स्वरूप है, भगवान निराकार है, तो ये सब प्रश्न हमको आते हैं करके। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के सेशन में हमको मिलेगा। तो इच्छा अनुमोदन आलिंगन, तो आज हम देखेंगे हम भगवान के बारे में कहां से जान सकते हैं। अगर हमें जानना है कि भगवान कौन है तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान कौन है, कोई तरीका तो होना चाहिए कि हमें पता लगे कि भगवान कौन है, तो हमको कैसे पता लगेगा भगवान कौन है। अगर एक भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? क्या भगवान व्यक्ति हैं या भगवान निराकार है? भगवान की परिभाषा और भगवान की महान, भगवान किससे बोलते हैं, हम किसको भगवान बोल सकते हैं? अब पहला प्रश्न आता है, मैं भगवान के बारे में कहां से जान सकता हूं? यहाँ आ जाइए, आज लगे स्क्रीन देखने में आसानी हो जाएगी। आज दुर्गा पूजा है तो उल्टा हो गया है, आज प्रभुजी ज्यादा है माता जी कम है। तो अगर मुझे भगवान के बारे में जानना है तो मुझे कैसे पता लगेगा, कोई आंसर उत्तर?
अगर मैं जानना चाहता हूँ भगवान कौन है तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो महसूस करने चाहिए। भगवान महसूस, पर ठीक है भगवान को तो मैं महसूस कर रहा हूं, पर वो है कौन, वो कैसे महसूस करूं मैं? ठीक है मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं भगवान मेरी मदद करते हैं। अच्छा एक लॉजिकली देखते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं भगवान है। कोई ये नास्तिक आपके पास आता है और आपसे पूरा आर्गुमेंट करता है, तुम तो जा रहे हो भगवान के उसमें, सच में भगवान होते हैं क्या? एंड वो लोग बहुत अच्छा आर्गुमेंट्स डालेंगे भी, और कभी कई बार हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है, तो हम क्या जवाब देंगे? बिना भगवान? हाँ नहीं, वो तो भगवान है ही नहीं, सब कुछ अपने आप बन रहा है, सब कुछ जीवन में अपने आप ही चल रहा है, तो कैसे उनको बताएंगे कि कोई भगवान है जो सब ये जीवन चला रहे हैं? किसी ने तो सब कुछ क्रिएट किया है या कुछ तो हुआ है। लोग अलग अलग थ्योरीज देते हैं लेकिन जो थ्योरीज की फेल हो चुकी है, मतलब कंप्लीट टाइम फेल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं से तो पूरा ब्रह्मांड भी क्रिएट हुआ है। कहीं भी अवसर कर यहाँ से आए हैं बहुत, वैसे आपका शुभ दिनेश। नाम दिनेश, बहुत अच्छा होता है आपने, कुछ हमारे योगा ग्रुप लेकिन बोले ठीक है तुम विश्वास नहीं करता, लोग बोले ठीक है तुम विश्वास करते तो भगवान है, मैं विश्वास नहीं करता तो भगवान नहीं है, तो क्या इस बात को हम मान सकते हैं? कोई बोले कि ठीक है तुम विश्वास करते हो करो, मैं नहीं करता मैं नहीं करता। सूर्य, तुम सूर्य में विश्वास रखते हो रखो, मैं नहीं रखता सूर्य में विश्वास कि सूर्य होता है, तो ऐसे कोई लॉजिक बनता है क्या? देखो अगर सूर्य है तो सबके लिए है, सूर्य नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। अगर मैं नीचे 2 मंजिल के बेसमेंट में बैठ के बोलूं कि सूर्य नहीं है और मुझे सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका कुछ मतलब है? इस बात का कोई तथ्य नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। सूर्य है तो है, सूर्य नहीं है तो नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने ही सब कुछ ये बनाया है, सारी सृष्टि बनाई है भगवान ने। एक बार न्यूटन का एक मित्र आया जो एथिस्ट मित्र था, भगवान नास्तिक था पूरा, और आके न्यूटन से पूछा कि अरे, और न्यूटन ने एक बहुत अच्छा सोलर सिस्टम बनाया हुआ था, न्यूटन ने बहुत अच्छा सोलर सिस्टम बनाया हुआ था, और न्यूटन से पूछा अरे ये सोलर सिस्टम किसने बनाया? न्यूटन ने बोला अपने आप आ गया, न्यूटन ने जवाब दिया सोलर सिस्टम अपने आप आ गया। और तो एथिस्ट दोस्त बोला अरे ऐसे अपने आप कैसे आ गया, कुछ तो होना चाहिए। फिर न्यूटन ने बोला अरे देख तो ओरिजिनल सोलर सिस्टम है मंगल ग्रह चंद्र ग्रह, बोलता अपने आप आ गया, अरे छोटा सा सिस्टम विश्वास नहीं कर पा रहा अपने आप आ गया, लॉजिक है नहीं है? अब लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है तो मतलब सब कुछ अपने आप आ गया, फिर एक छोटा सोलर सिस्टम भी अपने आप आ सकता है? नहीं आ सकता है। पर तब उस दोस्त को समझ में आया अरे हाँ मैं तो मूर्खता की बात कर रहा हूँ, भगवान ने ही तो सब कुछ बनाया है, जैसे हम छोटी चीजें बनाते हैं भगवान तो पूरे आकाश को बनाया है, सारे लोगों को भगवान ने बनाया है, तो भगवान हैं जिन्होंने ही सारी क्रिएशन ये करी है। तो आज का सेशन हमारा इसी पे टारगेट है, वो भगवान है कौन जिन्होंने रचना करी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको जाने कैसे, क्योंकि कई लोग कई चीजें बोलते हैं भगवान के बारे में, कोई बोलते हैं भगवान निराकार है, कोई बोलते हैं भगवान ये भगवान है, कोई बोलते हैं कि हमारे क्राइस्ट ही भगवान है, कोई बोलते हैं, तो कैसे, कुछ तो एक होना चाहिए ना कि एक कंसेंसस कि सब कोई एग्री कर सके अरे हाँ ये भगवान है। तो पहले वो धारा क्या है, जैसे किसी को अगर हमें जानना है तो उसका सिस्टम समझना पड़ेगा, तो हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान कौन है, कैसे जान सकते हैं कि भगवान कौन है? जब भगवान हमको खुद बतलाए कि मैं कौन, जब भगवान खुद बतलाए मैं कौन हूं तब हम भगवान को समझ सकते हैं। अब भगवान कैसे हमको बता रहे हैं कि मैं कौन हूं? शास्त्र द्वारा, भगवान शास्त्र द्वारा हमको बताते हैं कि मैं कौन हूं। तो सबसे पहले
तो हमारे उपकरण हमारी मदद नहीं कर सकते कि आप कोई टेलीस्कोप से ढूंढो कि भगवान कहाँ है। जैसे पहले अपोलो मिशन पहली बार गया तो उन लोगों ने देखा, अरे भगवान तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान दिखे नहीं आकाश में। भगवान को पहली बार आकाश में जब गए देखा भगवान नहीं है, तो सबसे पहले घोषणा आके कि भगवान है ही नहीं। और जब एक अपोलो मिशन फेल हो रहा तो सबसे प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना करो ये लोग बच जाए करके। तो भगवान की वास्तविकता क्या है? तो उपकरण हमकी मदद नहीं कर सकते, हमारे सिद्धांत हमारी मदद नहीं कर सकते कि मैं कोई फिलॉसफी निकालू, क्या वो मदद कर सकती है फिलॉसफी? नहीं। तो फिर क्या मदद कर सकता है? भगवान को जानने के लिए केवल भगवान ही हमें अपने बारे में बता सकते हैं। अगर भगवान हमारे बताएं कि मैं कौन हूं, तभी हमको पता लग सकता है, क्योंकि वो तो इस ब्रह्मांड के परे है। अरे हमें तो इस ब्रह्मांड का अंत नहीं पता, इस ब्रह्मांड के परे जो है उसका क्या पता होगा? अभी किसी को किसी साइंटिस्ट को ब्रह्मांड का अंत पता है? नहीं पता है। तो जो ब्रह्मांड के परे है उसका कैसे पता करेंगे? तो भगवान को अधोक्षज बोला जाता है, जो हमारे सेंसेस से नहीं जाने जा सकते। तो जब तक वो हमें ना बताएं अपने बारे में, हम उनके बारे में नहीं समझ सकते। और देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि हम एक मान लेते हैं, देखिए जो भी भगवान है बस हमें तो कुछ हमारा जीवन चलना चाहिए, क्या इतना फर्क पड़ता है? लोग बोलेंगे ना, कहां इतना फर्क पड़ता है, कौन भगवान है, इसको जानने की क्या इच्छा करके। तो ऐसा लोग बोलेंगे कहां को इतना मगजमारी करना, कहां को वो करना। अच्छा, अगर आपको पता नहीं कौन, सबको पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन सी पार्टी है, क्यों रूलिंग पार्टी तो वही है ना करके, उनके क्या डिसीजन होने वाले हैं, कैसे वो स्टेट को चलाने वाले हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके बारे में हम इतना जानने की कोशिश करते हैं, जो भगवान हमारे हृदय में है क्या हमें उनके बारे में नहीं जानना चाहिए? जो हर सांस को चला रहे हैं, जीवन में हर चीज को कार्य को चला रहे हैं, जिन्होंने हमको ये जीवन दिया है, कि हमें उनके बारे में नहीं जानना चाहिए? तो हमने कर्म के बारे में जाना था लास्ट टाइम, राइट? कर लास्ट टू लास्ट टाइम हमने जाना था लॉ ऑफ कर्मा होता है। अब उस कर्म को बनाता कौन है, उस कर्म के नियम को बनाया किसने है, और कौन इस कर्म के नियम को तोड़ सकता है? तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः ना सिद्धि वापनोति न सुखम न परांगति। तो शास्त्रों के आदेशों का बिना करता है, मन माने ढंग से कार्य करता है, उस ना तो सिद्धि न सुखी परम गति की प्राप्ति होती है। तो जब हम शास्त्र से समझते हैं, अब देखिए शास्त्र, मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पे भी, अगर हमें कुछ भी ज्ञान चाहिए होता है, तो हम कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेसर होती है, पुस्तकें होती हैं, राइट? तभी हम उस ज्ञान में जाते हैं। अभी आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मैं IIT में जा रहा हूँ, क्यों? IIT में लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि रेप्यूटेड कॉलेज है। तो हमें जब नॉलेज ग्रहण करना होता है तो एक रेप्यूटेड संस्था, कोई जो परंपरा में आ रही है वहां जाना होता है, जो प्रॉपर टीचर्स हैं जिन्होंने डिग्री ली है उनके हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए होता है तो गूगल काम नहीं करता है। जब आपको डॉक्टरी पढ़नी होती है आप गूगल जाके डॉक्टरी का सर्टिफिकेट नहीं लेते हो, मैं गूगल से डॉक्टरी कर लिया हूँ, चल आज आपकी सर्जरी करता हूँ मैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा आपने नहीं सुना होगा करके। योगा करने के लिए भी आपको गुरु के पास आना पड़ता है। वैसे बोलते थे मैं गूगल से गुरु योगा सीख कर आया हूँ और अभी योगा सिखाता हूँ आपको, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमको एक गुरु प्रमाणिक संस्था प्रमाणिक किताब। तो उसी प्रकार से जब हमें अध्यात्म के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, तो हमें एक आध्यात्मिक, एक अधिकृत पुस्तक, प्रोफेसर और अधिकृत कॉलेज परंपरा, उसको जानना बेहद आवश्यक है। शास्त्र जो है भगवान के वचन है, क्यों? ये परंपरा डायरेक्ट भगवान से आ रही है। और देखिए इतनी सारी भविष्यवाणी है शास्त्रों में कि गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, चाणक्य पंडित के बारे में बताया था, भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई है, और चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, चाणक्य आएंगे, बुद्ध आएंगे, ये सब भागवतम में है, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। अर्थवेद में ईसा मसीह के बारे में भी है, फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में लिखा है। मैंने ये उदाहरण तो लास्ट टाइम भी दिए थे कि गर्भ विज्ञान, कि कैसे गर्भ में एम्ब्रॉय जो है बढ़ रहा है, कैसे हमको इस बात की पता लगती है। तो 50 साल तक पहले ये पता नहीं थी, जब एम्ब्रोलॉजी की साइंस आई नहीं थी, लेकिन भागवतम जो 5000 साल पहले लिखी गई है उसमें पूरा ज्ञान था कि कैसे जो है बच्चा गर्भ में बड़ा होता है,
कितने दिन पे उसकी क्या होती है, क्या क्रियाएं होती है, सब बिल्कुल मैच है और जो आज की एम्ब्रॉयलॉजी से पूरा मैच कर रही है। तो वेदों में बहुत इंपॉर्टेंट साइंस भरी हुई है और ये परंपरा स्वयं भगवान कृष्ण से आ रही है। एवं भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजर्षयो विदु साकाले महता योगो नष्टा परंतपः। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षि ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई तथा ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये परंपरा भगवान कृष्ण ने किसको दी? ब्रह्मा जी ने दी नारद मुनि को, और नारद मुनि ने दी व्यासदेव का हमने सुना है, जिन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स को लिखा है करके। फिर व्यासदेव से आई मध्वाचार्य, व्यासदेव से भी आने अभी इधर में भी चार परंपराएं हम सुनते हैं, शिव संप्रदाय, ब्रह्मादा गौड़े संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो चार संप्रदाय हैं जिसमें पूर्ण संपूर्ण ज्ञान आ रहा है। तो ब्रह्मादा गौड़े संप्रदाय में ब्रह्मा जी से व्यासदेव पे आई, व्यासदेव जी से मध्वाचार्य, और फिर मध्वाचार्य की परंपरा में माधवेन्द्रपुरी आए, माधवेन्द्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में शिला प्रभुपाद, जिनसे हमको ये ज्ञान आ रहा है। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये ज्ञान तो मैंने पहले दे चुका हूं, फिर अब दोबारा के भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं 5000 साल पहले, क्योंकि वो ज्ञान नष्ट हो गया है। ज्ञान नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट में नहीं बचा, टेक्स्ट थे लेकिन प्रैक्टिस करने वाले राजा लोग नहीं रहे। अब अर्जुन तुम उस परंपरा को स्टार्ट करो, तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता का। तो भगवद गीता से हमको पता लगता है कि भगवान कौन है, कि वो स्वयं भगवान में बोली गई है। और दूसरा यही भगवद गीता एक परंपरा में आ रही है, व्यासदेव से आने वाली परंपरा में ये भगवद गीता का ज्ञान पूरा आ रहा है। तो हम भगवद गीता कैसे सीख सकते हैं? खुद से एक प्रमाणिक गुरु द्वारा। आप क्या बोलते हैं कि हम भगवद गीता खुद से सीख सकते हैं, एक प्रमाणिक गुरु की जरूरत होती है? उसका एक अलग सेशन है जो हम देखेंगे कि कैसे वाय हमें एक गुरु की जरूरत क्यों होती है। और हमारा एक डिस्कशन हुआ था पहले क्लास में कि हम खुद समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उपनिषद है जो एक परंपरा में ही समझ में आता है। तो ये चार संप्रदाय है, एक संप्रदाय लक्ष्मी जी से चालू हुआ जो रामाचार्य संप्रदाय हुआ, जो हम संप्रदाय है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी आते हैं वो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, फिर है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और फिर कुमार संप्रदाय निम्बार्क स्वामी। तो ये चारों संप्रदाय भारत में आपको मिल सकते हैं, और ये चारों संप्रदाय एक ही बात बोलेंगे, अलग बात नहीं बोलेंगे, एक ही बात बताएंगे कि भगवान कौन है। तो ये हमारी परंपरा कमिंग फ्रॉम भक्तिदान सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद, एंड आगे श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, उनके सारे बहुत सारे शिष्य। तो ये गुरु परंपरा, तो कोई ज्ञान है अगर हमें जानना है भगवान कौन है तो कैसे पता लगेगा? एक परंपरा में वो ज्ञान आना चाहिए। और देखिए ये वेदों की पूरी समरी है, इतने सारे वेद है, उसमें श्रुति है, उसमें स्मृति है। भगवद गीता वैसे तो स्मृति है लेकिन वो श्रुति भी, क्योंकि भगवान ने उसको खुद बोला है। तो श्रुति जो है जो भगवान ने खुद बोली है, स्मृति वो है जो पुराण वगैरह बाद में सेजेस ने रिकॉर्ड करी है। और वेदों में पता है कितने वर्सेस थे? 1,00,000 to the power 1,00,000, इतने वर्सेस टोटल। महाभारत में अकेले 1,00,000 वर्सेस है, भागवत में 18,000, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता में 700 श्लोक, इतने बड़े बड़े लिटरेचर्स। तो अभी हम ये चाहे समझ लेते हैं कि हमें भगवान के बारे में जानना है तो कैसे हमें पता लगेगा? शास्त्र। और जो प्रमुख शास्त्र जिस पे बेसिस करके हम समझना चाहते हैं भगवान कौन है, वो क्या है? भगवद गीता। अभी ये गीता कोर्स चल रहा है तो हम गीता से समझना चाहते हैं कि भगवान कौन है। अभी सब धर्मों, अब एक नजर डालते हैं कि बाकी धर्म जो अपने बोलते हैं ये मेरे भगवान है, उसका क्या मतलब है? देखिए सब धर्मों के सिद्धांत एक ही समान है,
आध्यात्मिक गुरु के पास जाना, ईश्वर एक है और ईश्वर का प्रेम, परमेश्वर के नियमों का पालन करें, भगवान की सेवा। कभी आप गुरुद्वारा जाइए तो सबसे पहली चीज आप क्या सीखेंगे? सेवा करना। इतने प्रेम से सब सेवा करते हैं गुरुद्वारा में, करके चप्पल उतार के लोग पूरा वो करते हैं, तो सारे नियम वो है। और वाहेगुरु करके वहां जो पुस्तक है, पुस्तक की पूजा होती है, जैसे गीता है उस तरह पे भगवान का नाम भी लिया जाता है। और गुरु नानक ने तो गोविंद जी के नाम का बहुत, है ना, गोविंद हरे मुरारी, तो भगवान के नामों का बहुत गुणगान किया करके। कोई भी आप रिलीजन देखिए, नाम सब में कॉमन है। अगर मुस्लिम है अल्लाह, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही तार करके। फिर परमेश्वर के राज्य में लौट जाए, सब बोलेंगे अरे इस भोग की दुनिया को छोड़ के तुम भगवान के पास चले जाओ। एंड क्रिश्चियन लोग भी प्रार्थना करते हैं, ओ लॉर्ड प्लीज दो बाय हाँ होली नेम, पाप और नहीं करना है। पाप का डेफिनेशन सबका अलग है, पर ये बात सब मानते हैं कि पाप नहीं करना है। पवित्र नामों की महिमा, बलिदान और त्याग, भौतिक सुख का त्याग, सब में रोजे होते हैं, कहीं रोजे होते हैं तो कहीं फास्टिंग होती है, तो ये कंसेप्ट सब शास्त्रों में, सब उसमें देखेंगे तो एक तरह से है। और भगवान का प्रेम, ये बात हर कोई बोलेंगे। तो हम नास्तिक नहीं रह सकते धर्म सेक्युलरिज्म के नाम। तो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। तो देखिए इस्लाम कब आया? 1300 साल पहले। ईसाई धर्म आया 2000 साल पहले। बुद्ध धर्म आया 2500 साल पहले। भगवद्गीता कब बोली गई? 5000 साल पहले। इसका मतलब भगवद्गीता बोली गई तब एक ही धर्म था, सनातन धर्म। और सनातन धर्म कब आया? अनगिनत टाइम्स। उसका कोई स्टार्ट ही सनातन, सनातन मीन्स इटर्नल धर्म, क्योंकि आत्मा का धर्म है। इसलिए भगवत गीता में आपको एक भी वर्ड हिंदू नहीं मिलेगा। कोई भी आपको वर्ड नहीं, वो हिंदू हो सुनो, ऐसा कोई एक वर्ड नहीं भगवत गीता में। बोले ए जीवो सुनो माम ए वंशा जीव लोके, इंसान क्या सारे जानवर भी मेरे अंश, इंसान क्या सारे जानवर भी मेरे ही अंश, भगवान बता रहे। तो सनातन धर्म इज ऑल इंक्लूसिव, किसी को छोड़ते नहीं, सब कुछ अकाउंट में उसमें लेते हैं। और देखिए इन सब धर्मों में भी कॉमनलिटी है। जैसे सनातन धर्म में बोला गया है, देयर द सन डज नॉट शाइन, नेदर डू द मून एंड द स्टार्स, नॉट डू द फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग शाइन, व्हाट इज स्पीक ऑफ फायर, He shining, all the shining with his luster, all the various the elements. Same Christianity, Christianity, there shall be no night, there need no candle, neither light of lamp, for the Lord God give them light, and they shall reign forever and ever. Same verse, Bhagavad Gita, mein, na tad bhasate suryo na shashanka, na path, pavaka, yad gatva na nivartante tad dhamam parvam. Mere dham mein, Bhagavan bol rahe hain, mere dham mein na to surya hai, na chandma hai, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है? वो स्वयं प्रकाशमान है, वहां अंधेरा नहीं है भौतिक जगत। और एक बार आप वहां चले जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। ये गतानुवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हमने लास्ट में मोक्ष, असली मोक्ष क्या है? भगवान के धाम जाना। पर यही बात क्रिश्चियनिटी में भी बोली गई है, इस्लाम में भी बोली गई है, बड़ी अमेजिंग बात है। तो हम देखते हैं कि सारे रिलीजन्स एक ही प्रिंसिपल को कर रहे हैं। जैसे एक पानी को हम क्या बोलते हैं? पानी, जल, नीरो, वाटर। पर पानी थोड़ी ना बदल जाता है। तो उसी भगवान को कोई अल्लाह कह के बोलता है, कोई क्राइस्ट कह के बोलता है, कोई कृष्ण कह के बोलता है। भगवान एक ही है, ऑल माइटी द ग्रेटेस्ट। अल्लाह का मतलब क्या है? ऑल माइटी। जीवा का मतलब क्या है? द ग्रेटेस्ट। तो ये जो है, हम देखते हैं कि हर रिलीजन्स में यही बताया कि भगवान एक है। अब एक प्रश्न आता है कि भगवान निराकार है या एक व्यक्ति है? बहुत बड़ा प्रश्न है करके, और बहुत इसमें डिबेट्स होती हैं, बहुत कई सारे जो होते हैं अपने वो होते हैं। और कुछ लोग गीता पढ़ के भी नहीं समझ पाते कि भगवान एक पर्सन है, निराकार है, क्योंकि गीता की भी बहुत सारी कमेंट्रीज हैं। कुछ लोगों ने निराकारवादी कमेंट्रीज दे रखी है गीता की, कुछ लोगों ने परमात्मावादी कमेंट्रीज दे रखी है,
तो वास्तविक भगवान क्या है, हमें भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कई श्लोकों के द्वारा। अब देखिए परम सत्य के तीन स्वरूप। अगर किसी बच्चे ने कभी ट्रेन में नहीं बैठा है, समझ नहीं दिया, पहली बार उसको रेलवे स्टेशन लेके आते हैं और पूछते बेटा, बेटा पूछता पापा पापा ट्रेन कहाँ है, और आप देखोगे ट्रेन आ गई है, तो आप उसको दिखाओ देखो बेटा ये लाइट आ रही है ट्रेन है, तो बेटा क्या समझेगा कि लाइट ही ट्रेन है, पर क्या लाइट ट्रेन है। तो उसी प्रकार से लोग बोलते हैं कि भगवान एक ऊर्जा है, निराकार है। तो पहला स्टेप है भगवान को समझने का, भगवान को नहीं देखा, वो पहला स्टेप है कि अरे भगवान एक ऊर्जा है, भगवान निराकार है। तो मैं एक पहला स्टेप लिया है भगवान के प्रति, भगवान को नहीं जाना पूरी तरह से, पर वो गलत भी नहीं है, वो पहला स्टेप है। तो कई लोग इंडिया में आपको मिलेंगे बोले भगवान निराकार है, निर्विशेष है, तो ये वेदों के वाक्य हैं, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है। फिर जो है ट्रेन आके खड़ी हो गई प्लेटफॉर्म में, तो क्या देखेंगे, अरे बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे कंपार्टमेंट है और सब जगह ट्रेन फैली हुई है, उसको ना तो आधी दिखेगा ना अंत दिखेगा। तो ये हो गया परमात्मा का रूप कि भगवान मेरे हृदय में है, आपके भी मेरे हृदय में, भगवान कण कण में है, उसे सब बोलते ही बोलते। तो ये क्या अंडरस्टैंडिंग है परमात्मा की, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताम ज्ञातमाम शांति पृच्छति। तो भगवान किसके बारे में बता रहे हैं, परमात्मा रूप के बारे में बता रहे हैं। सुहृदम सर सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट हो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ, किस रूप में, परमात्मा के रूप में। और फिर आता है, फिर ट्रेन आके रुक गई और ट्रेन में व्यक्ति बैठ गया, तो क्या देखा ट्रेन में कि अरे बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे लोग हैं, व्यक्ति हैं। तो भगवान का जो चरम सीमा अंडरस्टैंड करने की, वो क्या है, भगवान एक व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व है। तो भगवान के व्यक्तित्व को समझना सबसे बड़ा रियलाइजेशन है करके। और ये भगवान का व्यक्तित्व भगवान ने सातवें चैप्टर से बताना चालू किया है। तो पहले तीन चैप्टर में भगवान ने कुछ अब बस एक ब्राह्मण की तरह से बता रहे कि, फिर चौथे चैप्टर से भगवान ने बताना चालू किया अपने भगवान के रूप, जन्म कर्मा चमे दिव्यम। फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में भगवान ने अपने आप को परमात्मा रूप बताया। फिर सेवेंथ चैप्टर से भगवान ने अपना मेरा भगवान का एक रूप है वो करके समझाना चालू किया। तो गीता बहुत सिस्टमैटिकली भगवान ने तीनों ही जो रूप बताए हैं, लेकिन कोई भी होगा अगर भगवान के बारे में बात कर रहा है इन तीनों रूपों से ही बात करेगा। अभी हमारी जो भगवत गीता की फिलॉसफी है ऑल इंक्लूसिव फिलॉसफी है। हम ये नहीं बोलते भगवान केवल व्यक्ति है, निराकार नहीं है, हम बोलते हैं भगवान के तीनों स्वरूप हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व रूप है वो सर्वोपरि है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और सातवें अध्याय में 24वें श्लोक में भगवान इसका खंडन खुद करते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धये परम भाव मजान तो मम भूता महेश्वर। जो ये सोचता है कि मैं पहले अव्यक्तित था, निराकार था और व्यक्ति बन गया हूं, वो बुद्ध नहीं, वो बुद्ध नहीं है, अबुद्ध है, अबुद्ध है, उनमें ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। इस बात का कौन खंडन कर रहे हैं, भगवान खुद खंडन कर रहे हैं सातवें अध्याय। और पहले भगवान ने ही खुद बता रहे हैं परमात्मा रूप के बारे में गीता में, और फिर वही भगवान बता रहे हैं। तो भगवान एक व्यक्ति है। अब हमें ये समझने में बड़ी कठिनाई आएगी कि एक व्यक्ति होकर सारी दुनिया पे कैसे राज कर सकते हैं, अगर वो हमारी तरह व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं वो, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते जब हम बात करेंगे। देखो हम तो व्यक्ति हैं, छोटे से व्यक्ति हैं, तो भगवान व्यक्ति हो गए तो वो भी छोटे से हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान को तो बहुत बड़ा होना चाहिए करके। इसलिए तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया है गीता में, भगवान कृष्ण ने इसलिए तो विश्व रूप दिखाया है। देखो अरे मुझे छोटा व्यक्ति मत समझो, सब कुछ मेरे अंदर है, पूरा विश्व मेरे में समाया हुआ है।
ये दिखाने के लिए अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दिखाया। तो भगवान हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, ये शरीर जो है फंस जाता है, मर जाता है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता, वो दिव्य शरीर है, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है वो शरीर, सद चिद आनंद। और अगर आप देखें, भगवान ने अपनी लीलाओं द्वारा दिखाया भी है कि भगवान का मतलब होता क्या है। अब हर किसी को भगवान थोड़ी ना बोल सकते करके, इसलिए भगवान ने विश्वरूप दिखाया, क्योंकि किसी को भगवान बोलना है तो उसमें ये सब होना चाहिए। देखिए परमात्म ब्रह्म, तो भगवान कहां बता रहे हैं कि ब्रह्मन का भी प्रतिष्ठा हम बेसिस में ही, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो जो ब्रह्मण, जो ब्रह्म, ब्रह्मन ब्रह्म बोलते हैं, जो निराकार ब्रह्मन के बारे में बात करते हैं, उसके वो किस पे आधारित है? भगवान कृष्ण पे। तो भगवान कृष्ण की शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है, जो लाइट निकल रही है, उसको तो निराकार ज्योति बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और भगवान परा ब्रह्म है, ये वेदों की भाषा में बताया गया करके। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानापनुचा, मैं ही सबके हृदय में बैठा हुआ हूं और मैं ही लोगों को स्मृति देता हूं, मैं ही ज्ञान देता हूं और मैं ही अपोहन भुलावा भी देता हूं। अगर कोई भगवान को भूलना चाहता है तो उसको वो इंटेलिजेंस कौन देता है कि भगवान को भूल जाए? भगवान ही देते हैं। नई नई थ्योरी निकल जाती है कि भगवान नहीं है, चलो तुम्हें जितना गंदगी करनी है कर लो। तो ये इंटेलिजेंस कौन दे रहे हैं? और वेदांत कृत वेद विद एव चा, वेद किसने लिखे? मैंने ही लिखे व्यासदेव बन के। और वेदों के द्वारा कौन जानने के लिए है? मैं ही जानने के लिए। तो ये गीता का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आसानी से समझ में नहीं आता। मैं खुद बताता हूं, मेरे को गीता पढ़ने की बहुत इच्छा थी, मैंने तरह तरह के एडिशन लेके पढ़े, लेकिन मैं भगवान के बारे में नहीं समझ। ये तो समझ में आ गया भगवान बहुत बड़ी ऊर्जा है, भगवान सबके हृदय में परमात्मा है, पर भगवान कौन है मैं नहीं समझ पाया। लेकिन जब पहली बार मैंने राधेश्याम प्रभु जी, जो जिनसे हमारी काफी शिक्षा हुई है, तो मैंने पहली बार उनकी किताब पढ़ी, जो पूरे श्रील प्रभुपाद जी की किताबों पे बेसिस थी, एक पन्ने में बिल्कुल साफ बता दिया भगवान कृष्ण ही भगवान है। अब मुझे लगा कि वो मेरा दुनिया का सबसे अच्छा दिन था, कि जैसे मुझे पता लगा कि, क्योंकि मैं टटोल रहा था कि कौन वास्तव में भगवान है, कौन है। तो भगवान कृष्ण ही जो उनका स्वरूप है, जो रूप है, वो भगवान है करके। अब एक उदाहरण और देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, अब मोदी जी हैं, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नोटबंदी होगी, हो गई नोटबंदी, 130 करोड़ लोगों को फॉलो करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कोई बोल सकता है नहीं मैं नहीं फॉलो करूं। एक व्यक्ति पूरी 130 करोड़ भारतीयों पे रूल करता है, करता नहीं करता है, चाहे आप उसको डेमोक्रेसी बोलो कैसे भी बोलो, लेकिन एक डिसीजन ले लिया तो सबको फॉलो करना पड़ गया नहीं पड़ गया करके। तो जब एक व्यक्ति 130 करोड़ व्यक्तियों पे कर सकता है, तो क्या भगवान का व्यक्तित्व नहीं हो सकता जो सृष्टि को पूरा रूल कर रहा है? उसी प्रकार आप बिल गेट्स को देखिए, उसकी इतनी, एक बिल गेट पर सो मेनी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट यहां से दिखती भी है, माइक्रोसॉफ्ट पीछे इधर ही है, माइक्रोसॉफ्ट हमारे एक दो भक्त वहां काम करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत पास में है ऑफिस। पर अगर उसको क्लोज करनी होगी, उसको खुद आने की जरूरत नहीं है, एक साइन करेगा और एक क्लोज, और एक नई ब्रांच खोलनी है, एक साइन और कैसे, सब उसकी एनर्जी से चल रहा है। उसी प्रकार से भगवान की बहुत सारी एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, जो सब काम कर रही हैं। भगवान को तो बस चिंतन मात्र करना होता है, एक ब्रह्मांड बन जाता है, उनकी ऊर्जा सब कार्य कर देती है। प्रलय लानी होती है तो चिंतन मात्र करना होता है, प्रलय आ जाती है, उनको कुछ मेहनत की जरूरत नहीं होती कुछ करने के लिए। ये भगवान का अर्थ है।
सब कुछ कैसे चलता है, उनकी एनर्जी से। तो इसलिए तो परम सत्य के तीन स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जो इन तीनों स्वरूप को जानता है वही भगवान को जानता है। एग्जाम्पल जो हमने तो यही वर्ष में बताते हैं, व्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम मन्यते माम बुद्धे। आप में से कौन इसका मीनिंग समझ सकता है? वेरी सिंपल श्लोक है ये संस्कृत का। अव्यक्तम, अव्यक्त व्यक्ति बन गया है, व्यक्तिम अपन्नम मन्यते, ऐसा जो मानता है अबुद्धे, जो ऐसा सोचता है कि भगवान पहले निराकार थे और साकार कृष्ण के रूप में आ गए, उसको भगवान क्या बोल रहे हैं? अबुद्धे, इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि ही। मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। तो भगवान का निराकार रूप है, लेकिन भगवान का साकार रूप निराकार रूप का बेसिस है, ना कि निराकार साकार का बेसिस। ये बात समझना बहुत जरूरी है अगर हमें भक्ति में गीता के ज्ञान को अच्छे से समझना है। देखिए लोग क्या बोलते हैं इंडिया में कि सब एक निराकार ब्रह्म ज्योति है, उसी से सारे अवतार आ रहे हैं, पर भगवान इस बात का खंडन कर रहे हैं यहाँ पे। ये बात गलत है। सही बात ये है, भगवान कृष्ण ही सबका स्रोत है, भगवान नारायण ही सबका स्रोत है, और जो निराकार ब्रह्म आ रहा है वो भी भगवान कृष्ण से ही आ रहा है। ये गीता का ज्ञान है। और ये बात समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सुबह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान अनुत्तम। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न इसको लेके? भगवान भगवान कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए भगवान ही तो काल को बनाते हैं, काल भगवान को नहीं बनाते, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में काल के रूप में हैं, तो काल के प्रभाव से चीजें बनती हैं बिगड़ती हैं। लेकिन ये काल आया कहां से? जब भगवान ने प्रकृति पर दृष्टि करी तभी तो ये काल आया। तो इसका मतलब भगवान तो काल से परे है ना, वो शाश्वत है, उनको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। जब ये ब्रह्मांड नहीं था, कौन थे? भगवान थे। जब ये काल नहीं था जो सृष्टि को चला रहा है, सृष्टि को चलाने वाला काल है नहीं, इस सृष्टि को चलाने वाला काल रूप है भगवान का इंस्ट्रूमेंट। काल से ही सब चीजें हो रही है ना, अगर काल रुक जाए तो कुछ होगा यहाँ पर? तो काल से ही सब चीजें हो रही हैं, पर उस काल को बनाने वाला कौन है? भगवान है। तो उस भगवान को कौन बनाएगा? क्योंकि वो तो कालातीत है, काल के परे है, गुणों के परे हैं, तो शाश्वत है। वो शाश्वत है। एक बार मैंने स्टोरी में पढ़ा था कि प्रलय आई और माता वैष्णो देवी का सर्जन हुआ, और उन्होंने मतलब आदिशक्ति के रूप में आई वो, और फिर उन्होंने शिव जी को पैदा किया, और शिव जी के बाद विष्णु जी, और फिर से ब्रह्मा जी। तो ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग में। हम आज बात करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, तो मैं तो खैर मानने लगा हूँ ये सब चीजें, मेरे लिए लाइफ बहुत चेंज है, बट तो ये बताइए कौन से पुराण से है वो स्टोरी, ये बताइए, क्योंकि आपको शिव पुराण से। देखिए
तीन तरह की पुराण है, सतोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण एंड तमोगुणी पुराण। अब जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो भगवान विष्णु की भक्ति लेना उसके लिए मुश्किल होगा या आसान होगा? तो उसको बताया चल तू देवी की पूजा कर, मदिरा पीते रहे अमावस्या के दिन। तो ऐसे ग्रेजुअल पांच लोगों के लिए बनाया है करके। अब सृष्टि कैसे होती है? महाविष्णु जो है देवी पे ग्लांस करते हैं, नारायण, नारायण से आते हैं महाविष्णु जो भगवान का पहला पुरुष अवतार होते हैं, और वो ग्लांस होते हैं शंभु स्वयं। तो सृष्टि के शुरू से ही शिव और पार्वती दोनों, शिव और दुर्गा दोनों ही इन्वॉल्व हैं। दुर्गा कौन है? भगवान की शक्ति, आदि शक्ति है, और शिव जी जो है भगवान के आदि कारक है। भगवान प्रकृति के साथ में नहीं आते, भगवान शिव रूप में प्रकृति के साथ में आते हैं। जैसे दूध दही में बदल जाता है, भगवान विष्णु भगवान शिव का रूप लेके फिर प्रकृति के साथ में आते करके। तो अगर आप उन इन चीजों को मैनिपुलेट कर दो तो ऐसा दिखेगा कि भगवान शिव शिव हैं और दुर्गा जो है आदिशक्ति है। पर अगर आप देवी भागवत भी देखो, जो व्यासदेव ने नहीं लिखी हुई है, बाद में आई हुई है, लेकिन उस देवी भागवत में भी लिखा हुआ है कि देवी जो सबका सब चीज की रचना कर रही है पुरुष की, पुरुष को प्रसन्न करने के लिए कर रही है। तो वो पुरुष कौन है? किसकी प्रसन्नता के लिए देवी कार्य कर रही है? वही तो भगवान विष्णु, वही भगवान नारायण है करके। तो जो शास्त्र बहुत गुण है और सब शास्त्रों का आप सार निकालोगे तो यही निकलेगा कि भगवान नारायण से ही सब कुछ आया है। और ये इस गीता कोर्स पार्ट वन का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया इस बात पे। ये गीता कोर्स पार्ट टू जब हमारा होगा, ये गीता कोर्स खत्म होने के बाद में, तब हम इसको लेंगे कि देवी देवताओं की पूजा क्यों होती है, देवी देवता कौन है करके। अभी तो बस हम यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भगवान नारायण ही भगवान है और कैसे है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, और देवी देवताओं की बात थोड़ा आगे के कोर्स में हम डिस्कशन उसको करेंगे। तो यहाँ तक मैं इसको समाप्त कर देना चाहता हूँ इन क्वेश्चंस का। अब देखिए भगवान किसको बोल सकते हैं, भगवान की क्या परिभाषा है? तो पराशर मुनि ने, जो पराशर मुनि जो व्यासदेव जी के पिता हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है। भगवान ने जो ऐश्वर्यपूर्ण, जो ऐश्वर्य भौतिक जगत में सूक्ष्म से प्रकट होते हैं। तो क्या छह ऐश्वर्य है? ज्ञान, त्याग, शक्ति, यश, सौंदर्य और धन। ऐसे व्यक्ति जिसमें ये छह के छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, आप उसको भगवान बोल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो? कोई है ऐसा व्यक्ति? तो उसको हम भगवान बोल सकते हैं। तब देखते हैं उदाहरण। और यही देखिए, छह ऐश्वर्य हमको बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास त्याग है, किसी के पास सौंदर्य है, किसी के पास यश है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास शक्ति है। लोग देखने आते नहीं आते? अगर कोई मिस्टर इंडिया आ जाए, पूरा ये रेस्टलर्स आ जाए, लोग उसको देखने आते हैं। अगर बिल गेट्स इंडिया में आ जाए तो बड़ा न्यूज बन जाता है करके। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य जो है सबको अट्रैक्ट करता है। लेकिन कोई बोल सकता है मेरे पास सबसे ज्यादा शक्ति है। व्यक्ति कितना पाउंड उठा सकता है? 500 पाउंड, ज्यादा से ज्यादा। पता नहीं अभी क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी को पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है अभी उठाने का? चलिए 500 पाउंड मान लीजिए उठाने का। भगवान ने गोवर्धन को उठाया, गोवर्धन का कितना पाउंड वजन है? टन्स में भी नहीं नाप सकते आप। 21 किलोमीटर की तो उसकी फेरी होती है, और वो तो आप नीचे हो गए हैं गोवर्धन जी, तो 5000 साल पहले तो गोवर्धन किलोमीटर ऊंचे थे। सोचिए भगवान ने उसको एक कण की उंगली से 7 दिन और 7 हाथ उठाया, तो कितना टन वेट होगा गोवर्धन का? तो कोई इससे शक्तिशाली हो सकता? फिर सौंदर्य, भगवान जो है मदन मोहन है। भगवान कौन है? मदन मोहन। एक बार नंद नारायण ऋषि के पास कंदर्प मदन आया उनकी तपस्या भंग करने के लिए, इंद्रदेव ने भेजा, और बहुत सारी अप्सराएं भी भेजी, अपना नाच गान सब कर रहे थे। उस समय
नारायण ऋषि ने अपनी आंख खोली, मदन को तो बहुत डर लग गया, लेकिन भगवान ने अपने उससे काफी अप्सराएं बना दी और बोले एक ले जा इंद्र के, और तब उर्वशी गिफ्ट कर दी इंद्र को। तब तो भगवान ही सारे सौंदर्य के, इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोले मदन मोहन, जो मदन को भी मोह ले वो है मदन। फिर समस्त ज्ञान, अच्छा सबसे ओल्डेस्ट बुक नॉलेज कौन सी है आपको जो पता हो, आज प्लैनेट अर्थ पे सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी है नॉलेज की? वेद। और वेद में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या कौन सा वेद, कौन सा पाठ है? भगवद गीता। भगवद गीता किसने बोली थी? भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले बोली थी। तो कोई सबसे पुरानी सबसे फेमस बुक है तो कौन सी है? भगवद गीता। वही गीता कोर्स करने हम आए हैं। और समस्त सौंदर्य समस्त यश, देखिए भगवान ने मक्खन चुराया था 5000 साल पहले, आज भी हम उसको याद करते हैं। भगवान ने चोरी करी मक्खन चुराया, समस्त धन भगवान की महत्ता। देखिए गीता में भी भगवान प्रमाण दे रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। हमारा पूरा ब्रह्मांड सरसों से भरे बोरे में एक सरसों के बीज के बराबर है, और वो सारे सरसों के बीज कहां से आ रहे हैं? भगवान नारायण से, और उसी में ही देवी और पार्श्व जी का भी रोल आता है। लेकिन सर्वोपरि कौन है? भगवान नारायण। हम सर्व से पूरा, और देखिए शक्ति के पीछे तो शक्तिमान होता है, नहीं होता है। कोई शक्ति होती है, आपने कभी देखे कोई ऊर्जा अपने आप आ जाती है? ऊर्जा के पीछे कोई ऊर्जा धारण करने वाला शक्तिमान होता है, तो आदि शक्ति के पीछे कौन है? आदि शक्तिमान। शक्तिमान सीरियल की बात नहीं होती है, भगवान नारायण जो परम शक्तिमान है उन्हीं की सब शक्तियां हैं। देवी किनकी शक्ति है? भगवान नारायण। नासा ने इसी तरह का एक चित्र प्रकाशित किया था, वो सत्य है कि उनको ब्रह्मांड में नारायण ने? देखिए वो मैंने देखा था, किसी ने मुझे भेजा था फोटो, आप उसमें अगर देखेंगे तो वो तो कुछ फॉर्मेशन हो गया मैन के रूप में, वो तो ब्रह्मांड में कितने बंदे रहेंगे तो आप नहीं बोल सकते भगवान, क्योंकि भगवान टेलीस्कोप से थोड़ी ना देख सकते। भगवान को चिन्ह दृष्टि से आप नहीं देख सकते, देवता लोग नहीं देख पाते। अच्छा देवता लोग जब परेशानी में होते हैं, इंद्र वायु ब्रह्मा सब क्षीर सागर पे जाके भगवान से पुकारते हैं, भगवान को दर्शन नहीं देते, सिर्फ तेने ब्रह्म हृदय आदि काम है, उनके हृदय में जो है एक बोध देते हैं भगवान। महाविष्णु अपनी दृष्टि से जिसे शंभु कहा जाता है, सभी जीव आत्माओं को भौतिक शक्ति के अवतार दुर्गा के घर में धारण करते हैं, विचित्र शक्ति की छाया की तरह कार्य करती है। इस प्रकार शिव और दुर्गा भौतिक जगत के माता हैं, इस प्रकार दुर्गा सृष्टि निर्माण में सहायता करती है, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण आध्यात्मिक दुनिया के माता है ब्रह्म संहिता। तो देखिए हमारी फिलॉसफी फुल होलिस्टिक है, इसका कहाँ स्थान है वो सब बताया हुआ है, हम किसी चीज को नकार नहीं रहे। और भगवान बताते हैं प्रकृतिम समष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम कृष्ण वशम प्रकृते वशम, संपूर्ण व्यास जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार सत प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट होता है। शिव जी भी खुद घोषणा करते हैं, देखिए शिव जी और पार्वती जो दुर्गा और शिव है वो क्या बोल रहे हैं आपस में, क्या डिस्कशन कर रहे हैं? आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम, सब आराधना में सबसे परम क्या है? भगवान विष्णु की आराधना। अब भगवान शिव जी और पार्वती आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ है, क्यों?
वो हमेशा भगवान विष्णु की चर्चा करते रहते हैं, उनकी कथा चलती रहती है। तो सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण किसमें बताया गया है? पद्म पुराण में पूरी चर्चा शिवजी और पार्वती की है। अब बताइए, अगर शिवजी और पार्वती भगवान विष्णु की चर्चा क्यों करेंगे? अब शंकराचार्य के तो सबने सुना, शंकराचार्य का क्या मत था? एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, एको देवो देव की पुत्र एवा, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र, कौन सा शास्त्र? देव की पुत्र गीता। कि दुनिया में एक ही शास्त्र होना चाहिए, कौन सा? भगवत गीता। एको देवो, एक देवता की पूजा, कौन? देव की पुत्र देवा, भगवान कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र होना चाहिए, भगवान कृष्ण का नाम। कर्माप्य एकं तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म उन भगवान कृष्ण की सेवा। अब भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेति तत्वतः तत्वदेहं पुनः जन्म नायति मामेति स अर्जुना। जो कोई मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यवेति तत्वतः, तत्व में उसको जानता है, पुनः जन्म नायति मामेति स अर्जुना, वो दोबारा जन्म नहीं देता है। तो बोले कि जीवन का लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य, मोक्ष पाना है करके। सबसे आसान तरीका है भगवान कृष्ण के लीला को जान लो, उनके जन्म को जान लो, मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा। आसान तरीका है नहीं, कुछ तपस्या नहीं करनी है, बस बैठ के कथा सुननी है, बैठ के गीता का उपदेश सुनना और कथा सुननी है, सारे दुखों से छुटकारा तो अपने आप मिल जाएगा और व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा। व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा भगवान की कथा सुनने से। ये तात्पर्य है इस श्लोक का। अब देखिए, भगवान कोई तपस्या करके भगवान नहीं बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अरे कोई तपस्या करके भगवान बन सकता है क्या? बताइए। तो प्रभुपाद जी दिखते हैं कृष्ण रूप में कि भगवान भगवान होते हैं, वो तपस्या करके भगवान नहीं बनते। जब भगवान कृष्ण, देखिए भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, जब वो उन्होंने जन्म जो है साधारण मनुष्य की तरह नहीं लिया, केवल माता और पिता के संसर्ग से जन्म हुआ, नहीं, पहले भगवान वसुदेव के हृदय में आए, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में आए और फिर अपने आप प्रकट हुए। देवकी को तो लगा मेरे घर में है भगवान, तो भगवान घर में नहीं रहे, देवकी के हृदय से बाहर प्रकट हुए, ये भगवान का जन्म। जब प्रकट हो गए तो कैसे हुआ? बच्चा कैसे होता है? जब माँ के गर्भ से निकलता है बच्चा रोता है, गलगी लगी होती है, वैसे नहीं दिखते। अद्भुत बालक, अद्भुत बालक के रूप में, वो बालक का रूप कैसा था? चतुर्भुज, शंका, चक्रा, गदा, पद्म, और आते ही अपने मम्मी पापा को बोलते हैं, देखो मैंने अपना वचन निभा दिया है। जब तुम कृष्णियों सुतापा थे 3 जन्म पहले, तुमने मेरी तपस्या की थी और मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारा पुत्र 3 बार बनूंगा। तो पहली बार मैं बना कृष्ण गर्भा, दूसरी बार वामन देव, और मैं स्वयं कृष्ण आया हूं तुम्हारे घर, मैंने अपना वादा पूरा किया। कोई बच्चा आके बताते अपने मम्मी पापा को प्रॉमिस कि मैं क्यों आया हूं? ऐसे भगवान कृष्ण आके बता रहे हैं वसुदेव और देवकी। भगवान का पूरा सोने का मुकुट, पिताम्बरी, शंख, चक्रा, सब जगह उजाला हो गया, सब सो रहे थे, अर्ध रात्रि थी। ब्राह्मणों के यज्ञ जो कंस ने रुकवा दिए थे अपने आप होने लग गए उस समय पे।
तो बहुत अच्छा समय वो आया था जब भगवान का जन्म हुआ, तो उसके जन्माष्टमी 12 बजे मनाते हैं जन्माष्टमी। अब भगवान बताते हैं कि मैं अजा हूं, भगवान ने जन्म दिया लेकिन मैं अजा हूं, मेरा जन्म नहीं है। तो भगवान हालांकि देवकी और वसुदेव से जन्म लेते हैं, वे अजन्मे हैं। भगवान मानव रूप में प्रकट होते हैं, उनका शरीर दिव्य है, अव्यय आत्मा। हालांकि भगवान हम में से एक के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वह भूता नाम है, वो जीवों के ईश्वर है, जीव नहीं है। अब एक बार भगवान कृष्ण ने माटी खाई, अब बलराम ने कंप्लेन कर दी, मैया कृष्ण ने माटी खाई। अब भगवान ने बोला, देखो मैया मेरा मुंह देख लो, कहां माटी, मैंने माटी नहीं खाई है, क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, यशोदा ने भगवान का मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड यशोदा के पेट में दिख गया, पूरा ब्रह्मांड यशोदा के, भगवान कृष्ण के पेट में यशोदा माई को पूरा ब्रह्मांड दिख गया। और वो देख के दम हो गई, कौन है ये, मेरा बेटा है कौन है? फिर भगवान ने उसको भुला दिया यशोदा माई। जब जरासंध पीछा कर रहा था भगवान कृष्ण का, भगवान ऊपर से कूदे प्रश्न माउंटेन से, तो उसने जरासंध ने पूरी माउंटेन पे ही आग लगा दी, तो कृष्ण बलराम ने कूदे, और वो मीलों ऊंचा पर्वत था, 80 मील ऊंचा, 80 मील की छलांग थी, 80 मील की छलांग लगाई उनको कुछ नहीं हुआ, कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा उसको फ्रैक्चर आ सकता, भगवान कुछ नहीं, क्यों, उनका शरीर सचेत। जब परीक्षित को ब्रह्मास्त्र मार रहा था, जो न्यूक्लियर वेपन की तरह एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के घर में मार दिया था, भगवान ने जाकर उसको तुरंत फिर जीवन दे दिया और परीक्षित को उस ब्रह्मास्त्र से बचा। तो हम में एक गुड़िया में और भगवान में क्या अंतर है? गुड़िया जो है पदार्थ है, मैटर है, हम कौन है, आत्मा है जो उस पदार्थ में भौतिक रूप में है। भगवान पूर्ण आत्मा है, उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, उनका शरीर हमारी तरह मेटेरियल नहीं है, वो सच्चिद आनंद स्वरूप शरीर है उनका। तो प्रश्न आता है, लोग बोलते हैं देखो भगवान कभी आया तो ही नहीं है, तुम भगवान क्यों बनाते, किसी मनुष्य को भगवान क्यों बना देते, भगवान तो आ ही नहीं सकते, कई रिलीजन्स में ऐसा बोला जाता है, ये बात गलत है। तो एक बार एक मुस्लिम राजा अपने मंत्री से बोल रहा था, देखो भगवान तो आ ही नहीं सकते, तुम क्यों बोलते हो कि तुम्हारे घर में भगवान। तो क्या हुआ, उस राजा का पोता डूबने लगा और न्यूज बताई, राजा ने एकदम अपनी तलवार सब बाजू करी, सब अपने वस्त्र हटाए, पूरा मुकुट हटाया और जाके डूब गया। तब के बहुत तैराक सैनिक थे, लेकिन खुद डूब के बच्चे को, पोते को बचा दिया। तब मंत्री ने बोला, साहब आपके पास तो इतने सारे तैराक थे, आप क्यों खुद कूदे? बोले, अरे मेरा पोता है ना, कुछ हो जाता तो। तो बोले, यही तो कारण है भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं आते हैं, किसी और को नहीं भेजते। और यही भगवान बता रहे, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनः। जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् संभवामि युगे युगे। जब बुरे लोग मेरे भक्तों को परेशान करते हैं, मैं आता। भगवान नरसिंह देव हिरण्य कश्यप के लिए नहीं आए, प्रह्लाद के लिए आए। भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए नहीं आए, वसुदेव और देवकी के लिए आए। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। अब तो ये भगवान के दिव्य स्वरूप का हमारी वाणी है। अब भगवान इस पे कोई प्रश्न जो हमने डिस्कस किया है, कोई क्वेश्चन या कुछ आपको लग रहा है कि थोड़ा अनजाना सब्जेक्ट मैटर है? हाँ, निराकार है या साकार है,
यू फॉर्म आपने बताई हाउ डज इट मैटर कैन बी एनीथिंग इज फॉर हाँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस शास्त्रों में देखिए ये लेवल ऑफ रियलाइजेशन है लेकिन निराकार क्या आप निराकार भगवान से बात कर सकते हैं क्या निराकार भगवान को आप खाना खाओगे तो वो खाएंगे नहीं परमात्मा को आप ड्रेसिंग कर सकते हाँ नहीं पहले पहले इसकी बात करते हैं कि परमात्मा को हम खाना खिला सकते हैं हम नहीं खिला सकते परमात्मा पर भगवान को खाना खिला सकते वो व्यक्ति है तो जब एक भक्त भगवान से आदान प्रदान करता है तो भगवान के रूप में वो वर्शिप करता है कि वहां पे आदान प्रदान है जब हम भगवान को केवल ब्रह्म समझते हैं वहां आदान प्रदान नहीं है एक बड़ी वस्तु है वहां प्रेम नहीं है लेकिन जहां पर हम समझते हैं भगवान एक व्यक्ति है वहां वो प्रेम है संबंध है एक रेसिप्रोकेशन है तो इसमें शास्त्र में जो हाइएस्ट है और उस व्यक्ति रूप को हम केवल शास्त्रों से समझना इतना आसान नहीं है जब तक तो कोई शुद्ध भक्त आके हमको नहीं बताता कि भगवान एक व्यक्ति है और डिबेट एक डिबेट के लिए है वास्तव में डिबेट है ही नहीं सारे शास्त्र यही कंक्लूजन दे रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति है इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है आपका दूसरा प्रश्न क्या है सकार स्वरूप है निराकार भगवान की भ्रम ज्योति है भगवान नहीं है भगवान तो स्वरूप है उनका रूप है भगवान कृष्ण का ये दिव्य स्वरूप है पर इस दिव्य स्वरूप का हम चिंतन करते हैं हमारा मन सब परेशानियों से हट जाता है क्यों वो दिव्य स्वरूप है सतोगुण में भी नहीं है तीनों गुणों के परे है उनकी अंतरंगा शक्ति जो हिलादनी संवित सन्निधि से बनी हुई है उससे उनका वो स्वरूप है कुछ नहीं है कुछ नहीं है जैसे दिवाली पे आप खिलौने खरीदते पहले चीनी के खिलौने अंदर अंदर तोड़ो तो क्या मिलेगा चीनी मिलेगी उसी प्रकार से भगवान का शरीर बाहर भी सच्चिदानंद अंदर भी सच्चिदानंद ऐसा नहीं आर्टिविंस मिलेगी उसमें चीनी की तो भगवान से ही तो निराकार ज्योति निकल रही है ना और ये भगवान कृष्ण को मत सोचिए उन्होंने भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया सहस्त तो अर्जुन ने जब भगवान का विश्व रूप देखा तो भगवान ऐसा लग रहा है जैसे सह हजार सूर्य एक साथ उग गए हों कभी देखा हजार सूर्य को एक साथ उगते हुए कई दिन से तो एक सूर्य को भी नहीं देखा अच्छी तरह से हजार सूर्य हो जाएंगे तो क्या होगा सोचिए उतनी ऊर्जा उतनी रोशनी हजार सूर्य बहुत बड़ी चीज है नहीं वो भगवान का विश्व उसमें ब्रह्मा शिवा सारे लोकपाल सब कुछ देखे अर्जुन ने और ये भी देखा जितने सैनिक थे सब कुरुक्षेत्र भूमि में सबके सब भगवान के मुख के अंदर जा रहे थे सब भगवान के भगवान ने बोला देखो दुर्योधन अंदर जा रहा था भीष्मा द्रोणा सब भगवान के विश्व रूप के मुंह में डाल रहे थे भगवान बोलेगा तो सबको मार दिया सच तुम जिनकी चिंता कर रहे हो सब तो मरे पड़े हैं बस तुम्हें लड़ाई करनी है तुम नहीं लड़ोगे कोई और लड़ेगा पर इनका मरना निश्चित है मैंने ऑलरेडी मार दिया विश्व रूप ये 11वां चैप्टर है भगवद गीता तो अर्जुन ने पूछा भगवान आप बोल तो रहे भगवान लेकिन विश्वास कैसे करें तब भगवान ने विश्व रूप दिखाया देखो अगर कोई बोले मैं भगवान हूं तो विश्व रूप दिखाओ कोई बोले मैं भगवान हूं विश्व रूप दिखाओ दिखा सकता है विश्व केवल भगवान विष्णु ही विश्व रूप दिखा सकता है क्योंकि तो सारी सृष्टि उनमें ही समाई हुई है वही सृष्टि के पूरे स्रोत है भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप क्यों दिखा भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए विश्व देखने के लिए
देखिए भगवान ने कई जगह विश्व रूप दिखाए, एक विश्व रूप दिखाया मदर यशोदा को, लेकिन वो अपने पेट के अंदर दिखा। दूसरा विश्व रूप दिखाया जब दुर्योधन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब भगवान ने कुरु सभा में ही अपना विश्व रूप दिखा दिया, सबने देखा उस विश्व रूप को। और ये तीसरा विश्व रूप जो दिखाया इसको देवताओं ने भी देखा, और केवल देवता ही देख पाए क्योंकि वो दिव्य विश्व रूप था, वो पूर्ण विश्व रूप था उस समय करके। तो भगवान ने तो कई जगह विश्व रूप दिखाए, और केवल अपने भक्तों को ही दिखाते हैं। बस दुर्योधन उस असेंबली में दुर्योधन को सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा विश्व रूप दिखाया, वो पूर्ण विश्व रूप नहीं था, लेकिन उसको देखकर ही सब डर गए। नहीं तब नहीं दिखा, ऐसा मुझे तो नहीं ज्ञात है। भगवान ने फिर उनको चक्र से मारा। हाँ उस समय कोई, मैंने जो महाभारत पढ़ी उसमें वर्णन नहीं है इस बात का, और उसमें यह है कि भगवान ने चक्र से मारा, और ऐसा मारा कि खून की बूंद भी ना गिरे, वरना राजस्व योग उस वक्त नष्ट हो जाता था कि खून की बूंद पड़ जाती थी। तो भगवान ने, अब वो कौन थे, वो जय विजय थे। यही जय विजय स्थापित होकर कौन बनकर आए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल, और तीन जन्मों के बाद उनको वैकुंठ चले गए, भगवान मुक्ति हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए भगवान ऐसा नहीं कि पहले थे अब नहीं है, जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो सूर्य हमेशा रहता है, तो भगवान की लीलाएं ऐसी चलती रहती हैं कि वो उदय होती हैं और अस्त हो जाती हैं, और फिर भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। तो भगवान की लीला कभी अस्त नहीं होती, भगवान की लीलाएं हमेशा चलती रहती है करके। तो अब जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, भगवान उसमें हस्तिनापुर में नहीं थे, भगवान द्वारका में थे, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा और भगवान आ गए साड़ी के रूप में, और द्रौपदी की लाज कैसे, जो द्रौपदी ने पुकारा था सब कुछ आज छोड़ के करके पुकारा था, भगवान ने तुरंत मदद करी। एक बार क्या हुआ, दुर्योधन के घर दुर्वासा मुनि आए, दुर्योधन ने बहुत सेवा करी, दुर्वासा प्रसन्न हो गए, बोले मांगना क्या वरदान। तो दुर्योधन ने मांगा जब पांडव लोग अपने अक्षय पात्र से सब खा ले, द्रौपदी भी खा ले, तब तुम उनके घर जाना। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, अब पांडवों को लेके आ गई टेंशन, और अकेले नहीं थे, 60,000 डिसाइपल्स के साथ में थे, 60,000 लोग। अब द्रौपदी ने खा लिया था अपने अक्षय पात्र सूर्यदेव का दिया हुआ था, जिसमें से कुछ भी निकल जाता था अक्षय पात्र। तो द्रौपदी ने बोला टेंशन, फिर द्रौपदी ने भगवान को कॉल किया, भगवान हे नाथ नारायण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण हे वासुदेव। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, अब बोला द्रौपदी देखो इसमें कुछ ना कुछ पड़ा होगा तिनका। फिर द्रौपदी को तिनका मिला और उसने भगवान को दिया, और भगवान कृष्ण ने उसको खा लिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण तिनका को खा लिया, दुर्वासा मुनि समेत 60,000 डिसाइपल का पेट फूल गया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, क्योंकि सारे शरीर तो भगवान के विश्व रूप से याद है ना, अगर भगवान कृष्ण ने खा लिया तो सारे विश्व की पूर्ति हो। अब दुर्वासा डर गए, मैंने तो इनको खाना बनाने को बोल दिया, अब कोई अम्बरीश की तरह केस ना हो जाए, अम्बरीश महाराज की तरह केस ना हो जाए, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज पर अटैक किया था और भगवान का चक्र उसके पीछे चल दिया था, तो दुर्वासा मुनि को डर गया, भाग गए करके। तो जैसे पांडवों के साथ भगवान ना होते हुए उनके साथ हो गए, उनका नाम पुकारने पे, उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भगवान हमको मिल जाएंगे इस कलयुग में उस भगवान के नाम से। अब भगवान तो हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं,
क्योंकि हमारा मन प्योर नहीं है, उसमें वासनाएं हैं, इसलिए हम उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे। लेकिन जब हम उनका नाम लेते हैं तो वो हमारे मदद करना चालू कर देते हैं, हमारे साथ हो जाते हैं। और कोई प्रश्न और क्वेश्चन? देखिए, जितना प्रश्न होता है उतना सब्जेक्ट मैटर अच्छा होता है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। वो द्वापर में कृष्ण था, अभी कलयुग में जगन्नाथ है भगवान का। हाँ, तो देखिए, भगवान तो विग्रह रूप में भी आते हैं, और जगन्नाथ जी तो जो है केवल कलयुग में नहीं है, काफी काल से करके। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि देखिए, भगवान सत्ययुग में थे बद्रीनाथ में, बद्री विशाल नंदनायन जी, त्रेता युग में भगवान राम रामेश्वर, और द्वापर युग में द्वारका भगवान कृष्ण, और कलयुग में भगवान जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ ही कृष्ण है। जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन देख रहे हैं तब कृष्ण के दर्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो जगन्नाथ है। हम सब अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवान हमें दिखाई जाते हैं, उसका क्या उचित है? ये गीता कोर्स पार्ट टू का विषय है। ये गीता कोर्स पार्ट टू का विषय है। अभी हमारा ये 10 सेशन का गीता कोर्स पार्ट वन चल रहा है, पार्ट टू में हम इसको और डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको मैं संक्षिप्त में आंसर दे देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि कोई शराब पीने वाला हो तो क्या वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाएगा? उसको दिक्कत होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपको 4 नियमों का पालन करना होता है, मांसाहार नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, इलिसिट सेक्स नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। ये 4 चीजों को फॉलो करना पड़ता है जब आप भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है मैं भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करूंगा, ये चीजें नहीं छोड़ सकता। ठीक है, चल तू देवी की भक्ति कर ले, अमावस्या टू अमावस्या, और ये चीजें भी करता है। धीरे धीरे करते करते तो एक दिन भगवान विष्णु की भक्ति पे आएगा। ये देवी देवताओं को औचित्य है। अब दूसरा क्या, जैसे प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं होता, उसकी कैबिनेट होती है, नहीं, होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो भगवान थोड़ी ना, भगवान तो सृष्टि बना दिए, अब फिर सारे डिपार्टमेंट लोग करते रहते हैं। देवी का काम है सृष्टि का संहार, भगवान शिव का काम है संहार करना, ब्रह्मा जी का काम है क्रिएशन, और विष्णु जी इसको मेंटेन करते हैं करके। तो ये सब भगवान का कार्य चलता रहता है। सूर्य का काम है लाइट देना, इंद्र जी का काम है वर्षा देना करके। तो ये सब देवी देवता है तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब किसके अंदर काम कर रहे हैं? भगवान नारायण के। हाँ, इस बात को भी भगवान ने गीता में अच्छे से समझाया है। देखो, सब कुछ देवी देवताओं को मैं देता हूँ तुम्हें देने के लिए, तो तुम डायरेक्टली मेरी पूजा क्यों नहीं करते? डायरेक्ट भगवान की पूजा करेंगे तो अच्छा है ना। रोज एक नए भगवान की मूर्ति लाके मंदिर पर रखते हैं। देखिए, देवी देवताओं भी जो है ना खुश, सबसे ज्यादा खुश पता कब होते हैं? जब उनकी भक्ति करते हैं तब देवी देवता इतने प्रसन्न नहीं होते। जब कोई भगवान विष्णु की भक्ति करता है वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। अब एक स्टोरी बताओ, एक नरसिंह मेहता थे गुजरात, वो एक बार क्या हुआ तो थोड़ा उनकी लड़ाई हो गई अपनी भाभी से, तो वो जंगल में आ गए, वहीं शिवलिंग था, 3 दिन बैठ के उन्होंने तपस्या की, कुछ नहीं खाया पिया, और भगवान शिव पे बिलपत्री चला रहे थे। फिर उस समय पे क्या हुआ, शिव जी ने उनको दर्शन दे दिए, तो शिव जी ने बोला बस मांगो जो मांगना है। उन्होंने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जो आपको सबसे प्रिय है वो दे दो। तो उस समय ही भगवान कृष्ण, भगवान शिव उनको कृष्ण की, भगवान कृष्ण की रासलीला में ले गए, भगवान कृष्ण की रासलीला में। क्यों बोला जाता है कि आप शिवलिंग पे राम राम का नाम लिख के बेलपत्री चढ़ाओ शिवलिंग पे? और काशी में कोई मरता तो क्या होता है, शिव जी खुद आते उसके काम कान में राम राम बोलते, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो देखा जाए तो सारी देवी देवता भी तो भगवान विष्णु की ही पूजा बता रहे हैं, शिव जी ही बता रहे ना, विष्णु आराधनाम सर्वेशम करके। तो अगर सारे देवी देवता तब खुश होते हैं जब उनके भक्त भगवान विष्णु के भक्त बन जाते हैं, उनका जॉब हो गया। शिव जी तो आदि गुरु है ना, जैसे गुरु भगवान के बारे में बताता है, शिव जी भी तो भगवान विष्णु के बारे में ही बता रहे हैं।
ईश्वर और इसका मतलब ये भी है राम जी के ईश्वर। अब देखिए राम जी ने शिव जी की पूजा करी, अब राम जी ने तो सुदामा के भी चरण धोए, तो आप सुदामा को ईश्वर मना दोगे क्या? भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए तो क्या सुदामा ईश्वर बन गए? तो भगवान तो अपने भक्तों की पूजा करते हैं, तो उन्होंने शिव जी की भी पूजा करी। तो चार तत्व हैं, जीव तत्व। अब जैसे प्रश्न आ गए तो मैं बता देता हूं, चार तत्व होते हैं, जीव तत्व, शंभु तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व। तो शिव जी जो है वो जीव नहीं है, दूसरे देवी देवताओं से अलग है, वो शंभु तत्व में आते हैं, वो भगवान विष्णु से डायरेक्ट निकलते हैं करके। और भगवान विष्णु जो है नारायण कृष्ण ये सब विष्णु तत्व सर्वोपरि है। फिर देवी जो है आदिशक्ति वो शक्ति तत्व में आती है, उनका भी प्रभाव भगवान से ही होती है, भगवान के नियंत्रण में रहती है। और जीव तत्व हम लोग और देवता लोग, इंद्र चरण चंद्रा वायु ब्रह्मा ये सब जीव तत्व। तो ये चार तत्व होते हैं, इन चार तत्वों को समझना चाहिए। तो इनकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से कंफ्यूजन्स होते हैं। सच्चिदानंद सब भगवान विष्णु के विग्रह है, सच्चिदानंद ही है। तो ब्रह्मा जी नहीं है, वो तो जीव है। अब ब्रह्मा जी हाँ, तो गुण अवतार है भगवान के। ब्रह्मा जो है रजोगुण के अवतार हैं, शिव जी जो है तमोगुण के कंट्रोलर हैं, अवतार है, कंट्रोल करते हैं तमोगुण को, और विष्णु सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, तो गुण अवतार के रूप में आते हैं। लेकिन जीव जो ब्रह्मा जो है जीव तत्व है, शंभु जो है शंभु शिव जो है शंभु तत्व है, और भगवान विष्णु विष्णु तत्व है, और वो भी सर्वोपरि है। ये सब वेदों का आप सारे वेद पुराण पढ़ लीजिए, आपको यही निष्कर्ष मिलेगा। तो यही पर यही सार उसमें मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु, एक उसने कि ये चार तत्व होते हैं, ये हर इंसान जीव में ये हो सकता है? ये जीव नहीं, जीव तत्व तो अलग है ना, जीव तत्व तो अलग है, हम लोग जीव तत्व हैं। सिर्फ जीव तत्व तो हम धारण कर सकते हैं, लेकिन तो विष्णु तत्व होने को वो भगवान विष्णु ही है, भगवान भगवान रहते हैं। अच्छा, हम भगवान नहीं बन सकते। जब ध्यान करते हो तो हम हाँ नहीं, जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हम अपनी कंडीशन नेचर से इटरनल नेचर पे आ जाते हैं, सच्चिदानंद पे। तो देखिए एक फिलॉसफी को और समझिए, चिंतन हृदय में तत्व, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, हमारा आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान विभू है, बहुत ग्रेट है, हम अणु हैं, हम छोटे हैं, अणु विभू नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। लेकिन जैसे भगवान सच्चिदानंद है, आत्मा का भी स्वरूप सच्चिदानंद है, हमेशा खुश रहना शाश्वत करके, तो हम भगवान की सेवा हो लग जाते। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चंस हो गए, अभी हम आज मेन तो भगवान से हमें कैसे कनेक्ट करना है, भगवान का नाम लेके। तो देखिए जैसे हमने करा कि भगवान का नाम लेके ही भगवान कृष्ण पाए, तो अब हम भगवान का नाम लेंगे, उससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण का नाम लेने से, हरे कृष्ण महामंत्र लेने से हमें सब चीजों का सब फायदा मिल जाएगा, सारी देवी देवताओं की पूजा करने का फायदा मिल जाएगा। तो आज खुशी की बात यह है, माला भी आ गई है भक्तों के लिए, जिनको अभी आप ले सकते हैं, और जिनको लेना है वो उनसे कॉन्टेक्ट करके आप खरीद सकते हैं। Thank you.
देखिए माला से जप करने के एक फायदा होता है कि हमारी सारी इंद्रियां जो होती हैं एंगेज हो जाती हैं और आपको गिनने की टेंशन नहीं होती है। और जप करने की क्या विधि है कि हम इस उंगली को टच नहीं करते हैं, क्योंकि ये उंगली हम दूसरों को फॉल्ड करने के लिए करते हैं ना, तो इससे इस उंगली को हम टच नहीं करते। तो और ये होती है गुरु मणि, तो हम इसको भी टच नहीं करते, डायरेक्ट हम यहाँ से चालू करते हैं, ऐसे काउंटिंग हम चालू करते हैं। तो ये माला है, आप लेके इससे सीख सकते हैं कि कैसे इसमें काउंटिंग हमको करना है। इससे आप कभी अपने घर में भी जब करना हो तो बहुत आसान हो जाता है। वैसे आप देखा जाए तो काफी घरों में माला रहती है जब करने की मंत्र की। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है, हमारे दशा मनाने वाले हैं और एक बहुत अच्छा ड्रामा आएगा विभीषण की शरणागति और क्लास एक बहुत स्पेशल भक्त देने वाले हैं। तो आपको पता लगेगा, तो बहुत अच्छा दशहरा फेस्टिवल रहेगा अगले हफ्ते, तो आप सब लोग रहेगा। तो अगला क्लास हमारा देंगे गिरिधर गोपाल प्रभु जी। प्रभु जी बहुत, प्रभु जी ने ऑलरेडी SGR वाटरमार्क में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है करके, तो नेक्स्ट क्लास प्रभु जी देंगे और हमारे साथ में ड्रामा भी होगा और दशहरा फेस्टिविटी भी होगी, आप सब जरूर। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद की जय।